आदमी में बस जीने की हिम्मत होनी चाहिए, किसी को मारने की नहीं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले स्त्री टू मूवी के 38 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, देवरा मूवी की ओवरसीज की एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, और साथ ही बात करेंगे थालापति विजय की द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी की 17 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और इन तीनों मूवी में से कौन सी मूवी बाजी मार चुकी है और कौन सी मूवी रह चुकी है पीछे, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग भी डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए आप सबसे पहले बात कर लेते हैं स्त्री टू मूवी के बारे में। तो स्त्री टू मूवी की कलेक्शन अभी भी बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है, और इस मूवी की कलेक्शन में एक बड़ी जंप देखने को मिल रही है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अभी भी रुकने वाली नहीं है ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन और कहां तक जा पाती है, और इस मूवी के कलेक्शन में एक बड़ी जंप देखने को मिली है जो कि एक शॉकिंग कलेक्शन कहां जा सकता है। अब देखते हैं ये मूवी आज के दिन पर किस तरह से कलेक्शन कर पाती है, लेकिन इस मूवी ने कल के दिन पर एक शॉकिंग कलेक्शन कर चुकी है, और इस मूवी के कलेक्शन में एक बड़ी जंप देखने को मिली थी जो की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अब देखने वाली बात होगी इस मूवी की कलेक्शन लाइफ टाइम कितने करोड़ की निकल के आती है। मूवी के स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी देखने को मिलने वाले हैं, और इस मूवी का बजट केवल 80 करोड़ के आसपास था। तो चलिए अब बात करें इस मूवी की 38 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और इस मूवी को 38 दिन रिलीज हुए हो चुकी है, लेकिन इस मूवी की कलेक्शन रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इस मूवी के 36 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन निकल कर आ चुकी है, और इस मूवी ने 36 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 564 करोड़, और इस मूवी ने 36 दिनों में इंडिया ग्रोस कलेक्शन कर लिया 673 करोड़ 15 लाख, और इस मूवी ने 36 दिनों में ओवरसीज से कलेक्शन कर लिया 131 करोड़, और इस मूवी ने 36 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया 804 करोड़ 15 लाख, और इस मूवी ने 37वें दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 4 करोड़ 75 लाख, और इस मूवी ने 37 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 568 करोड़ 75 लाख, जहां इस मूवी ने 37वें दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर चुके 4 करोड़ 75 लाख, जो कि एक बड़ी जंप है इस मूवी के कलेक्शन में। और इस मूवी के 38वें दिन की कलेक्शन की बात करें आज की कलेक्शन की, तो आज के दिन पर जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर ये मूवी लगभग 4 करोड़ के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी, आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर सकती है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जहां देवरा मूवी की एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, इस मूवी की ओवरसीज में एडवांस बुकिंग बहुत पहले ही शुरू कर दिया गया था, और इस मूवी ने ओवरसीज में तो कर चुकी है रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग कलेक्शन। अब देखने वाली बात होगी इस मूवी की कलेक्शन ओपनिंग डे पर किस तरह से निकल के आती है, लेकिन देखा जाए तो ये मूवी पहले दिन पर एक रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग लेने वाली है, 100 करोड़ से तो ज्यादा की ओपनिंग लेने वाली है। अब देखते हैं ये मूवी ओवरसीज में पहले दिन पर कितने करोड़ की कलेक्शन कर पाती है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सभी मूवी के रिकॉर्ड तोड़ देगी या फिर नहीं, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इस मूवी की जिस तरह से एडवांस बुकिंग निकल के आ रही है उस हिसाब से लग रहा है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सभी मूवी की ओवरसीज में रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। और इस मूवी के स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान और जानवी कपूर देखने को मिलने वाली है, जहां इस मूवी को तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा के साथ इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। और इस मूवी की ओवरसीज के एडवांस बुकिंग को तो बहुत पहले ही शुरू कर दिया गया था और रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग कर चुकी है ओवरसीज से, और इस मूवी को रिलीज होने के लिए अभी 5 से 6 दिन का टाइम बाकी है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर जाएगी, और इस मूवी का बजट लगभग 300 करोड़ के आसपास है, और ये मूवी आसानी से फर्स्ट वीकेंड में अपने बजट से कहीं ज्यादा की कलेक्शन कर लेगी ऐसा लग रहा है। देखते हैं ये मूवी फर्स्ट वीकेंड में अपने बजट से ज्यादा की कलेक्शन कर पाती है या फिर नहीं, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं ओवरसीज के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इस मूवी ने ओवरसीज में एडवांस बुकिंग कर चुकी है लगभग 2 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की एडवांस बुकिंग कर चुकी है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से होती है लगभग 17 से 18 करोड़ के आसपास। अब देखते हैं ये मूवी आगे आने वाले दिनों में कितने करोड़ की एडवांस बुकिंग कर पाती है, और ये मूवी ओवरसीज से पहले दिन पर कितने करोड़ की ओपनिंग ले सकती है, और आप लोग देवरा मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप। तो चलिए आप बात कर लेते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में, और थालापति विजय की इस मूवी ने जो अभी तक कलेक्शन करके दिखाया जो कि एक डिसेंट कलेक्शन कहा जा सकता है अपने बजट के हिसाब से, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर
अभी लगातार एक डिसेंट कलेक्शन कर रही है। देखते हैं वीकेंड आ चुकी है तो इस वीकेंड में किस तरह से कलेक्शन कर पाती है और अपने बजट के हिसाब से इस वीकेंड में अच्छी कलेक्शन कर पाएगी या फिर नहीं, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। पब्लिक की तरफ से पॉजिटिव रिव्यू मिलने के बाद भी इस मूवी की कलेक्शन कुछ खास निकल के नहीं आई और एक डिसेंट कलेक्शन कर चुकी अपने बजट के हिसाब से। देखते हैं इस वीकेंड में किस तरह से कलेक्शन कर पाती है और इस वीकेंड में कितने करोड़ की कलेक्शन कर पाएगी, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इस मूवी के कलेक्शन में वीकेंड आने के बाद हल्की सी जंप देखने को मिलती है, जैसे ही वर्किंग डे आने के बाद इस मूवी के कलेक्शन में फिर से ड्रॉप देखने को मिलती है। तो आज के दिन पर देखते हैं ये मूवी किस तरह से कलेक्शन कर पाती है और आज के दिन पर क्या कमाल कर पाएगी, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट की। तो इस मूवी के स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले थालापति विजय प्रभुदेवा और मालविका शर्मा देखने को मिलने वाली है, जहां इस मूवी को तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ा के साथ इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था और इस मूवी का बजट लगभग 400 करोड़ के आसपास था और इस मूवी ने अपने बजट के हिसाब से तो इस मूवी ने एक ठीक ठाक कलेक्शन कर चुकी है, लेकिन ये मूवी बड़ी कलेक्शन नहीं कर पाई। अब देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन और कितने करोड़ की निकल के आती है और ये मूवी लाइफ टाइम कितने करोड़ की कलेक्शन कर पाएगी, 500 करोड़, 600 करोड़ या फिर 700 करोड़। इस मूवी की 15 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन निकल कर आ चुकी है और इस मूवी ने 15 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 231 करोड़ 95 लाख और इस मूवी ने 15 दिनों में इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर लिया 272 करोड़ 45 लाख और इस मूवी ने 15 दिनों में ओवरसीज से कलेक्शन कर लिया 152 करोड़ 55 लाख और इस मूवी ने 15 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया 425 करोड़। और इस मूवी की 16वें दिन की कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 16वें दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 2 करोड़ 35 लाख और इस मूवी ने 16 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 234 करोड़ 30 लाख। और इस मूवी के 17वें दिन की कलेक्शन की बात करें आज की कलेक्शन की, तो आज के दिन पर जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर ये मूवी लगभग 3 करोड़ 50 लाख के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी आ गया, आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर सकती है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग देवरा मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं ये भी कमेंट करके बता सकते हैं और आप लोगों को क्या लगता है देवरा मूवी पहले दिन पर कितनी बड़ी ओपनिंग ले सकती है ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग भी डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में।